शरद पवार के घर पे इंडिया महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के होने के पहले बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के देश के नेतृत्व करने को लेकर सवाल उठे। हमारे साथ सुप्रिया सुनोद कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। मैम, एक बार फिर बिहार से ये आई निकल कर चीज़ें कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, हालांकि ये जोड़ा गया, उनका पूरा प्रोफाइल बताया गया, कहा गया कि वो 5 बार मंत्री रहे, 6 बार सांसद रहे, 17 साल से मुख्यमंत्री पद का उनके पास प्रोफाइल है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं जब शरद पवार के घर पे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, सीटों का तालमेल? नहीं नहीं, आप लोग बहुत अटकलें लगाते हैं, वो अटकलें लगाना आप लोगों का काम है, मेरा काम थोड़ी अटकलें लगाना। मुझे लगता है कि इंडिया का घटक दल जो एक साथ आए हैं वो इस संविधान की रक्षा के लिए, गरीबों के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, अडानी महाघोटाले का जांच हो उसके लिए और जलते हुए मणिपुर का समाधान हो उसके लिए। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, हमारा लक्ष्य है इस देश का संविधान सर्वोपरि है और देश संविधान से और कानून से और मर्यादा से चलेगा, जो लोकलाज मोदी जी ने त्याग दिए। इसके अलावा अटकलें लगाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जेडीयू, चूंकि इसलिए सवाल पूछा जा रहा है मैम कि जेडीयू एक बार फिर बैठक जो हो रही है शरद पवार के घर पे, वहाँ पे नहीं आ रहा, हालांकि वजह बताया जा रहा है कि ललन सिंह को डेंगू है और वो नहीं आ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजे, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी है, तो इस तो मुझे आप ये बात बताइए कि जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा वो मनोनीत किए गए अपनी पार्टी की ओर से और उनको डेंगू है, तो इसमें अटकलें लगाना ठीक रहता है आपको? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। हर चीज पे अटकलें, हम सांस ले रहे हैं इस पे भी अटकलें लगा लीजिए। अब मुझे नहीं लगता अटकलें लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो जिस तरीके से लोग बात करते हैं, अक्सर जब प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं तब इस तरीके की अटकलें लगाई जाती है कि अटकलें कौन लगाता है, आप लगाते हैं ना, मैं थोड़ी लगाती हूँ, तो इस पर मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस कंफर्टेबल है? बिल्कुल है, अपने हर घटक दल को लेकर हम कंफर्टेबल हैं। एक आखिरी सवाल है मैम कि अब ड्रेस कोड बदलने की बात है, जब 18 तारीख से स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है, ये भी एक हॉट एयर बलून है, ये भी एक गुब्बारा है जो आप लोगों को दे दिया गया, अब इसी में उलझे रहे हैं सब लोग। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि देश की राजनीति में, देश के इतिहास में 6 बार स्पेशल सेशन हुआ है और 6 बार एजेंडा बताया गया है। ये आपके और मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि सरप्राइज पार्टी में हम पहुंच जाएंगे कैप लगाकर। अरे, देश का सदन है, संविधान के कुछ नियमों के तहत चलता है, पता करवाइए किस कानून किस तहत ये सेशन हो रहा है और उसका क्या एजेंडा है। इन्होंने भी बताया था एजेंडा, पहले 2 बार कराया इन्होंने स्पेशल सेशन, अब एजेंडा क्यों नहीं बताया जा रहा है? उसी ने कहा कि आप लोग तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करें, जब जयराम रमेश जी ने कहा, हो सकता है नहीं पता हो उनको, आपको तो इतना पता है ना, 6 बार हुआ है स्पेशल सेशन और 6 बार एजेंडा बताया गया, इस बार क्यों गोपनीय रखा जा रहा है? ये दिक्कत की बात यह है कि इन लोगों को ना संविधान की फिक्र है, ना इन लोगों को सांसदिक मर्यादाओं की फिक्र है। प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, प्रहलाद जोशी ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, प्रहलाद जोशी है, रहे होंगे छह होंगे, क्या फर्क पड़ता है? इन्हीं की सरकार ने बताया था ना एजेंडा 2 बार पहले, तो क्यों बताया था? वो भी ना बताते। मेरा अपना मानना यह है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, बझाए रखने के लिए, हमारी तरफ शब्द कहा जाता है, उलझाए रखने के लिए ये सब शगुफे छोड़े जाते हैं। संसद की गरिमा यह है कि स्पेशल सत्र का एजेंडा बताया जाता है। अगर आप सांसद होते तो आप क्या प्रिपेयर करके जाइएगा संसद में, जरा मुझे ये बता दीजिए। हर सांसद को चुना जाता है, 18-20 लाख लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सांसद चुनकर भेजते हैं, वो सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करता है, वो बेचारा वहां पहुंचता है, उसको पता ही नहीं है कि क्या सेशन हो रहा है। आपको लगता है ये अवमानना नहीं है लोगों की? ये अवमानना नहीं है मताधिकार की? मैम, सरकार ने कहा कि जब 370 लाया तो 11 बजे संसद के पटल पर रखा गया और उसे लिस्टिंग कराई गई, जब GST का मामला आया तो उस वक्त भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई। GST का स्पेशल सेशन मैंने कवर किया है और लिखित आया था कि स्पेशल सेशन क्यों है, तो सरकार बरगलाए मत, आप लोगों को बरगला सकती है, हमें नहीं बरगला सकती है। इस देश की राजनीति के इतिहास में 6 बार स्पेशल सेशन हुए, 6 बार एजेंडा बताकर हुए, मोदी सरकार ने भी जब स्पेशल सेशन किया है तो एजेंडा बताकर किया है, इस बार कुछ अलग ही विलक्षण दिख रहा है। तो शुक्रिया श्रीनोथ हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया का आकलन है। कांग्रेस अब भी अपने सहयोगियों को लेकर बेहद कंफर्टेबल है और पूरे भरोसे के साथ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में वो फिर से BJP को मात दे पाएगी। कैमरामैन ढिल्लन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।